जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो YouTube का चैनल है सीए सुमित शर्मा, उस पर कल 7 जून 2023 को एक अजीबोगरीब घटना हुई। दोस्तों, हमारा सारा का सारा काम बहुत अच्छा चल रहा था, हमारे फ़ोन हाथ में थे। दोस्तों, कल शाम को 4 बजे एक नोटिफिकेशन आता है हमारे पास में कि योर अकाउंट हैज़ बीन रिकवर्ड। जो हमारा YouTube का मेन अकाउंट था दोस्तों, जो कि ईमेल आईडी बोल सकते हो या YouTube अकाउंट बोल सकते हो, वहाँ पर लिखा आया कि योर ईमेल अकाउंट हैज़ बीन रिकवर्ड। फिर जैसे हमने दोस्तों ट्राई करना चाहा तो हमारे जितने भी फोन सिस्टम पर वो जो मेल आईडी लॉगिन थी वो फोर्सफुली लॉग आउट हो गई। उसके बाद में उस व्यक्ति ने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया, उसके बाद में उसका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हटा दिया, रिकवरी मेल आईडी थी हमारी वो हटा दी, इसके बाद में जो रिकवरी का मोबाइल नंबर था वो हटा दिया, और उसने दोस्तों एक यूएसबी करके एक पासवर्ड होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो लगा दिया। तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। हमारा जो मेन चैनल था दोस्तों, 1,25,000 सब्सक्राइबर हैं इसके अंदर, और इतनी इन्फॉर्मेशन हमने इस चैनल पर दे रखी थी। तो हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों से संपर्क किया दोस्तों, इसको पासवर्ड को फॉरगेट करने का ट्राई किया, लेकिन जो रिकवरी मेल आईडी थी वो सेम मेल आईडी हो गई, उसी पर ही मेल आईडी जारी थी और वो हमारे एक्सेस में नहीं थी। फिर हमने दोस्तों ऑफिस के सभी स्टाफ ने काफ़ी मशक्कत की, हाथ पैर मारे, लेकिन कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला। फिर हमने लोकल पुलिस स्टेशन में जाने का निर्णय लिया। जब हमने वहाँ पे जाकर के मिले उनसे, तो उनको हमारी सारी की सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने बोला हमारे लेवल का ये काम बिल्कुल नहीं है, आपको साइबर क्राइम में जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम इनका पुलिस स्टेशन अलग से होता है दोस्तों, मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होता है। तो हमारा श्रीगंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे ऑफिस से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर दूर है, तो एट ए टाइम वहाँ पे जाना संभव नहीं था। तो हमने उनसे एक मोबाइल नंबर लिया उनके ऑफिसर्स का, और उनको फ़ोन पर सारी बात समझाई। तो उन्होंने जैसे जैसे पूछा, हमने सब कुछ बता दिया कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन था या नहीं था, और लास्ट में उन्होंने बोला कि आप अपना जो भी डेटा है हमें शेयर कर दीजिए, यूजर आई डी पासवर्ड वगैरह, और उसके बाद में कोई फॉलोअप उनकी तरफ से नहीं आया। हमने फिर शाम को फ़ोन किया कि सर वो वीडियो अपलोड करने लग गया है। उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो हैकर थे उन्होंने 9 वीडियो तो बैक टू बैक अपलोड कर दी, कोई गेमिंग की या कुछ ऐसे हैकिंग वगैरह की कुछ वीडियो उन्होंने डाल दी वहाँ पर। तो इसके बाद में दोस्तों 3 वीडियो और डाल दी सामने उनको, 12 वीडियो हो गई। हमने फिर से काफ़ी टेंशन हो गई कि ये बंदा कुछ और ना कर दे, हमारे चैनल को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसी कोई पोस्ट ना डाल दे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के विरुद्ध हो, यूट्यूब के खिलाफ हो। तो हम काफ़ी टेंशन में स्थिल थे। फिर एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर के काम आता है उसको, एक यूट्यूबर को एक यूट्यूबर का दर्द भी पता होता है। तो हमने आओ देखा ना ताओ, एक हमारा चैनल है फाइनेंस और इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड फिन टैक्स प्रो, उसके अंदर हमारे बड़े भाई विवेक अवस्थी जी हैं जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। हमने उनको फ़ोन किया तो विवेक अवस्थी जी ने हमें बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ आपके साथ। उन्होंने इमीडिएटली अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई कि सुमित जी का चैनल हैक हो गया है और आप हमें सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब को टैग कीजिए। तो क्या वो दोस्तों, उन्होंने वो वीडियो डाली तो उससे काफ़ी मुझे मिला कि भी ठीक है, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर राहत मिलेगी। हमारे एक और भाई हैं जो कि देव पटेल हैं, जयपुर से हैं, वो उनका भी ऑनलाइन चैनल है यूट्यूब का माई ऑनलाइन सीए के नाम से, 4,21,000 सब्सक्राइबर हैं, वो भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हमें देते रहते हैं। फिर उन्होंने मुझे टच में आए, उन्होंने मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी और हमने बात स्टार्ट की। तो उन्होंने बताया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दोस्त के साथ में ऐसा हो गया था। इन बिटवीन दोस्तों हमने एक और व्यक्ति से संपर्क किया, तो उसने क्या है हमसे पहले तो कंसल्टेंसी चार्जेस मांगे, कुछ पैसे उसने मांगे, हमने उसे दे दिए। लेकिन उसके बाद में उसने जब कुछ डेटा रिसर्च किया या देखा, उसके बाद में उसने काफ़ी हैवी अमाउंट मांग ली हमसे कि आपका रिकवर हम करवा देंगे। लेकिन देव भाई ने बोला कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जैसा मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चैनल के थ्रू जो हेल्प डेस्क होती है इनकी, जो चैट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर बात करनी स्टार्ट कर दी जो YouTube की टीम है उनसे। YouTube की टीम बहुत ही सपोर्टिव होती है दोस्तों, वैसे तो मैंने उनको ट्वीट भी किया था @TeamYouTube लिख करके, आप अपना मैटर जो भी लिख देंगे दोस्तों उनको फॉलो करने के बाद में, तो वो आपको DM के अंदर आ जाएंगे डायरेक्ट मैसेज में, और वहाँ पर आपसे बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। तो हमारा जो मेन मेल आई डी थी वो तो एक्सेस नहीं हो रही थी दोस्तों, तो दूसरी ईमेल आई डी हमने उन्हें बताई कि ये हमारी मेल आई डी है और इसके थ्रू हमारा जो पासवर्ड है हमें रीसेट करवा दीजिए, हमारा अकाउंट हमसे एक्सेस करवा दीजिए। फिर उन्होंने क्या किया दोस्तों, शाम को सारा 4 बजे ये वाक्या हुआ था, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, अप्रोक्सीमेटली 11:30-12 बजे रात को हमने ये फॉर्म भरा। उसके अंदर काफ़ी सारी सूचनाएं पूछी गई थी, आपका जो एडसेंस की डिटेल, आपके चैनल की डिटेल, पिछली वीडियोज़ की डिटेल, आपने क्या कुछ कहाँ कहाँ कैसे कैसे चैनल कब बनाया था, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डाल के हमने फॉर्म सबमिट कर दिया। तो रात को दोस्तों 2:30 बजे इनकी एक मेल आई हमारे पास में कि आप अपना अकाउंट रिकवर कर लीजिए। तो रिकवरी के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया दोस्तों, तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास था नहीं, ट्राई अनदर वे पर गए तब भी हम उसको रिकवर नहीं कर पाए। तो यूट्यूब वालों ने बोला अगर आपसे रिकवर नहीं होता है तो हमें
रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि आपके साथ में क्या हुआ है। तो हमने जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उनके स्क्रीनशॉट लिए, एक पीडीएफ बनाया उनका 8-10 पिक्चर और रिप्लाई कर दिया कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू रिकवर माई अकाउंट। तो उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, सुबह एक बार फिर से हमने वो फॉर्म भरा, सेम फॉर्म हमने फिर भर दिया। सुबह सुबह उठे हम 6:30-7 बजे, तो इस तरह से दोस्तों हमने दो बार फॉर्म भर दिया था। काफ़ी टेंशन थी, अभी भी नेक्स्ट डे आ चुका है, हैकर ने 12 वीडियो डाल रखी है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी वहाँ से डिलीट कर दी है उन्होंने, और कोई ज़्यादा उसने दोस्तों जब हमने मेल आईडी बाद में एक्सेस की तो यूट्यूब का, फेसबुक का और इसका आपका इंस्टाग्राम के भी लॉगिन कोड आए हुए थे। तो हालांकि उसने ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, किसी से कुछ डिमांड नहीं की। कुछ लोग आजकल हैकर्स क्या करते हैं कि आपके डेटा से कॉन्टैक्ट डिटेल उठा लेते हैं और वहाँ से उनको पैसे के लिए बोलते हैं कि हमें कुछ पैसे चाहिए आपसे, हमें खुद की डीपी लगा करके उस पर्सन की, ऐसा तो नहीं हुआ। तो सुबह दोस्तों 9:15 बजे नेक्स्ट डे यूट्यूब वालों का एक मेल आ गया, योर पासवर्ड रीसेट लिंक, कि आप इस पर क्लिक कीजिए और अपना नया पासवर्ड बना लीजिए। तो दोस्तों ये जो मेल आई, मेल आने के बाद में हमें जान में जान आई, तो इस तरह से जो हमने क्लिक करके वो पासवर्ड जो नया बनाया, फिर हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया, रिकवरी मेल आईडी, रिकवरी मोबाइल नंबर, एक ऐप ऑथेंटिकेशन होता है वो भी लगाया। तो दोस्तों शाम को 4 बजे हमारा जो अकाउंट है हाईजेक होता है, हैक होता है, और अगले दिन 10 बजे जाकर के हम रिकवर कर पाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों हमारे जो है 12 और 6 18 घंटे तक हम हमारे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाए थे हम। तो दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या आपके जीमेल अकाउंट को आप सेफ या सिक्योर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बैकअप कोड नाम से वहाँ पे 8-10 कोड आपको जनरेट हो जाते हैं, 8 डिजिट का एक कोड होता है। वो आप जब भी आप जाएंगे वहाँ पे माई अकाउंट के अंदर, मैनेज माई अकाउंट में जाएंगे तो सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर आपको ना बैकअप कोड वहाँ पे आप जनरेट कर लेने हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है या उनको लिख के रख लेना है, ताकि आपको इन फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ में तो आपको दोस्तों वहाँ पे उसको रिकवर करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपको जो अपनी मेल आईडी है दोस्तों, जो आपकी मेल आईडी है, वो आपको मेल आईडी कहीं पर भी शो नहीं करनी है, किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए कि इस मेल आईडी से चैनल बना हुआ है। उस मेल आईडी को कम से कम सिस्टम्स में, ब्राउजर्स में, फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपको लॉगिन करना है, जहाँ पर आपको ज़रूरत है। इसके साथ में दोस्तों कोई भी ऐसा लिंक या पॉपअप आता है तो आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, सोच समझ के ही क्लिक करना है, क्योंकि हैकर्स पता नहीं कहाँ पे किस तरह से किस रूप में हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर में घुस जाता है। आजकल दुनिया बहुत ही चांद पर पहुंच गई है दोस्तों, हम तो यहाँ पे बैठे हैं। तो इस तरह से आपको भी अपना डेटा सिक्योर रखना है, इन फ्यूचर में भगवान ना करे ऐसी कोई आपके साथ में घटना हो जाती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इजी वे में बता देंगे कि कैसे आप अपना ये अकाउंट है रिकवर कर पाते हैं। किसी को भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपका पैसा देकर के ये काम करवाता है। आपको सिंपली जो स्टेप बताए गए हैं उसकी सहायता से आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, थोड़ा सा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में ही चलना है। आप सभी सब्सक्राइबर्स का हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना सारा इसमें डेटा ऐसा कुछ आया कल को, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमारा साथ बनाए रखा, बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट किए, कमेंट किया, लाइक किया, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा। दोस्तों स्पेशल थैंक करना चाहेंगे हम हमारे पूरे स्टाफ का, हमारी टीम का, जो रात को 2 बजे तक भी हमारे साथ में लगे रहे, पूरी टेक्निकल टीम हमारी जो थी वो सारे के सारे लगे रहे। इसके अलावा विवेक अवस्थी जी हमारे जो सीए हैं, फिनटेक्स प्रो नाम से उनका चैनल है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। देव जी हैं, देव पटेल जयपुर से, माई ऑनलाइन सीए के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने बहुत सपोर्ट की। इसके साथ में ही बैंकिंग बाबा हमारे राजस्थान के भाई साहब हैं, उन्होंने भी कमेंट के अंदर हमने काफ़ी सारा हमें सपोर्ट दिया, रिप्लाई दिया। जावेद खान भाई है हमारे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। इसके साथ में पूरी टीम YouTube जो है, YouTube क्रिएटर्स जो सपोर्ट करते हैं जो लोगों को, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की हमारे अकाउंट को रिकवर करने में। ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं आई, लेकिन फिर भी टाइम काफ़ी लग गया इन बिटवीन में कुछ भी हो सकता था दोस्तों, हमारे डेटा को एक्सेस करके वो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता था, क्योंकि आजकल डेटा ही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी कैपिटल आपकी डेटा है। आपको आपका डेटा सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। इन फ्यूचर के अंदर मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हमारे कितने भी सब्सक्राइबर हो जाएं, आपको सिंपली तरीके से आपको इनकम टैक्स, फाइनेंस, जीएसटी को बहुत ही इजी शब्दों के साथ में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और आपसे भी ऐसा करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस तरह बने रहेंगे। 1 लाख सब्सक्राइबर से 1.25 लाख सब्सक्राइबर कब हुए हमें पता ही नहीं चला। आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमें सपोर्ट किया, इस बुरे वक्त में आप हमारे साथ खड़े थे, और आगे भी आपका सपोर्ट हम चाहेंगे। आपकी कोई स्पेशल फरमाइश, डिमांड हो कि आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या ये चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर करना है डिटेल के अंदर, तो भी आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप जुड़ सकते हैं, हमें ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी के लिए आप हमें फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।